हेलो एवरीवन, फिल्म खुदा हाफिज के साथ कमाल करने के बाद एक्टर विद्दु जांबार एक बार फिर वापस आ गए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कहानी को फिल्म खुदा हाफिज में दिखाया गया था, तो वहीं खुदा हाफिज 2 अग्नि परीक्षा समीर और नरगिस की आगे की जिंदगी को दिखाया गया है। समीर और नरगिस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहला पार्ट खत्म हुआ था। समीर चौधरी अपनी पत्नी नरगिस को नुमान में जिस फरोशी का धंधा करवाने के चंगुल से छुड़ाकर लखनऊ ले आया है। नरगिस के साथ नुमान में जो कुछ हुआ उसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है और वह डिप्रेशन में है। समीर उसे संभालने की कोशिश करता है और जब वह इसमें असफल होता है तो बच्ची गोद ले लेता है, जिसके बाद उनकी बेरंगी सी जिंदगी में फिर रंग भर जाते हैं। हालांकि उनकी कहानी ये खुशियां कुछ समय के लिए ही रहती हैं। समय और नरगिस की गोद ली हुई बच्ची 5 साल की बच्ची का अपहरण हो जाता है और गैंग रेप के बाद उसे मार दिया जाता है। एक बार फिर नरगिस टूट जाती है और समीर को सौगंध देती है कि उसे अपने बेटे के कातिल को मारना होगा। हालांकि आरोपी शहर की दबंग ठाकुर जी का पोता होता है। ऐसे में समीर कैसे नरगिस की सौगंध को पूरा कर पाता है यह आगे पता चलता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको कुर्सियों से बांध कर रखने वाला है। इसकी कहानी आपको पहले पार्ट की अच्छे से याद दिलाएगी, वहीं पहला हाफ आपको काफी इमोशनल भी कर देगा लेकिन साथ साथ आपका मनोरंजन भी करेगा। जैसे जैसे स्क्रीन पहले बढ़ता जाएगा आपका मन ही मन ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समीर नंदिनी को बचाकर वापस ले आए। इस फिल्म में एक सीन आता है जब एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप की मौत हो जाती है और वो उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने की कोशिश करती है लेकिन माचिस नहीं जला पाती है। यह सीन बिना किसी डायलॉग के आपको अंदर तक हिलाकर रख देता है और इसी तरह के कई सीन है इस फिल्म में जो आपको झंझोर के रख देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी इमोशनल है और हिला डालने वाला है। दूसरे हाफ में एक्शन ज्यादा है। मुझे फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत लगा, आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आपको गुस्सा आता है। एक सीन में जब विद्युत एक पुलिस वाले को घर में घुसकर पीटते हैं, उससे पहले जो कुछ होता है उसके बाद आप थिएटर की सीट पर बैठकर कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को और मारो। हालांकि सेकेंड हाफ में कुछ चीजें आपको खींची हुई लग सकती है लेकिन आपकी एक्शन देखने की भूख इंटरवल के बाद ही पूरी होगी। फिल्म में विद्युत अब अपने पुराने अंदाज में ही एक्शन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नरगिस अपने साथ हुए हादसे से आज भी लड़ रही है और रोज अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। वही समीर उसका पूरा साथ देने की कोशिश कर रहा है लेकिन दोनों का रिश्ता इतना बिखर चुका है कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उनकी जिंदगी में नन्ही नंदिनी की एंट्री लेती है। नंदिनी की किडनैपिंग के पीछे कई बड़ी ताकतें हैं जिनका खुलासा पुलिस नहीं कर रही है। ऐसे में समीर अपनी बेटी को न्याय दिलाने उसका बदला लेने का जिम्मा उठाता है। समीर की राहों में कई लोग खड़े हैं और इन सभी का सामना उसके करने के लिए वो तैयार रहता है। इस पूरी लड़ाई से वो एक ऐसा इंसान बनकर निकलने वाला है जिसे वो खुद भी नहीं जानता। विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में कमाल किया है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। एक्सप्रेशन से लेकर एक्शन तक विद्युत हर फ्रेम में चाहे हैं। पत्नी नरगिस का साथ देना हो या बेटी के साथ खेलना फिर बदले की आग में जलना, विद्युत अपने किरदार समीर के साथ सब कुछ बहुत आसानी से कर रहे हैं। उन्हें पर्दे पर रोमांस करते देख तो अच्छा लगता है। किडनैपिंग और रेप जैसे सेंसिटिव मुद्दे को डायरेक्टर फारूक कभी एक बार फिर पर्दे पर लेकर आए हैं। उन्होंने खुदा हाफिज को जितनी मेहनत से बनाया था उतनी ही इमोशन से खुदा हाफिज 2 को भी इस्तेमाल किया गया है। यह फिल्म रिवेंज ड्रामा होने के साथ साथ इमोशन ड्रामा भी है। इसका फर्स्ट हाफ देखते हुए बार बार आपका दिल जरूर टूटेगा और आंखों में आंसू भी आएंगे। वहीं फिल्म के सेकेंड हाफ में आपको समीर को सीने में लगी आग महसूस लगी हुई होगी। फिल्म का म्यूजिक भी आपको हर सीन के साथ जोड़ता है। नरगिस के किरदार में शिवालिका ओबेरॉय ने भी अच्छा काम किया है। डिप्रेशन में जा चुकी नरगिस के रूप में शिवालिका हर इमोशन को काफी अच्छे पर पर्दे पर लेकर आई है। पत्रकार रवि कुमार के किरदार में एक्टर राजेश तेलंग का काम बेहतरीन है। वह दिखाते हैं कि इमोशन और भयावह मुद्दे पर रिपोर्टिंग आखिर किस तरह से की जाती है। नंदिनी के रोल में क्वीट रिद्धि शर्मा को देखकर आप हंसेंगे भी और एक समय जहां आपको रोना भी आएगा। एक्ट्रेस शिवा चड्ढा के ऐसा कोई किरदार नहीं बना है जिसे वह बखूबी से न निभा पाए। एक बार फिर वह अपने किरदार में छाई है। पाताल लोक सीरीज में नए आए बोधिसत्व शर्मा इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं और उनका काम काफी अच्छा है। एक छोटे से रोल में एक्टर दिव्यांदु भट्टाचार्य भी देखे गए हैं जहां उनका काम अपने आप में बिल्कुल सही लगता है। फारूक ने खुदा हाफिज 2 में एक्शन का डोज भी भरपूर रखा है जो देखना काफी मजेदार रहा है। एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको अच्छा वीगन बताना है तो आप इस फिल्म को एक चांस देने का जरूर सोच सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक इमोशनल एक्शन फिल्म है जो एक हैवी फिल्म है जो आपको हिलाएगी भी और काफी ज्यादा रुलाएगी भी और इमोशनल टच भी देगी। अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा है और आगे की कहानी देखना है तो आपको यह कहानी जरूर देखनी चाहिए। अगर आप विद्युत जामवाल के फैन हैं और पर्दे पर उन्हें एक्शन करते देखना पसंद करना चाहते हैं तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म समाज में बदलाव को संदेश देती है। अगर आप इस तरह की फिल्में देखने की रुचि रखते हैं तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। हाँ, फिल्म में खून खराबा बहुत ज्यादा दिखाया गया है। अगर आप इस तरह के सीन झेल सकते हैं और देख सकते हैं तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। कमाल की एक्टिंग, कमाल की सिनेमेटोग्राफी और कमाल का एक सोशल मैसेज देने वाली इस फिल्म को काफी ज्यादा हिट होना चाहिए क्योंकि यह फिल्म काफी ज्यादा जबरदस्त है। चलिए आप बताइए आपने फिल्म देखी कि नहीं, और देखी तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।